हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरा नाम है गोविंद कुमार। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का अपडेट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे बाय सर्चिंग गोविंद कुमार मैथ्स या गोविंद कुमार मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है। फॉर सीबीएसई हो या कोई और भी बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड है, एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और ये जो गोनोमेट्री है ना, ये रिलेट करता है ट्राइंगल के शेप से, ज्योमेट्री से। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे इसमें हमें तीन क्षेत्र वाले, तीन साइड वाले एक ऐसे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी जिससे हम, जिसके मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई प्लस गोनोमेट्री। मेट्री वर्ड ज्योमेट्री से मिलकर आया, ज्योमेट्री का एक पार्ट लिया गया हुआ। ज्योमेट्री का मतलब आप जानते होंगे शेप, डायग्राम से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, जो ट्रिग्नोमेट्री हमें डील करता है, ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये डील करेगा मेनली डील विथ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड्स एंड रेशियो, उसके रेशियो के साथ बेसिकली डील करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कंसेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है ट्राइंगल पे, और उस ट्राइंगल में से किस ट्राइंगल पे, वो टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, तो सबसे पहले आप जानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, तो हम इस ट्राइंगल को कहेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। यहां पे देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और ये दोनों एंगल जो होगा ना मिलके होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में टोटल सम होता है 180 डिग्री का, और एंगल बी अकेले 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलके ही तो 90 डिग्री होगा। हो सकता है ये 60 डिग्री हो और हो सकता है ये 30 डिग्री हो, दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीजें मैं आपको ट्राइंगल के लेक्चर में बता रखा। देखिए, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो उसके सामने वाला जो भी साइड होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, उसके सामने वाला जो भी साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। कर्ण हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और इसको आप परपेंडिकुलर कह लीजिए या इसको बेस कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस कर लेंगे, फिलहाल अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं, किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस कर लेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होगा ना सामने वाला 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा वो होगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। इसमें भी कुछ खास बात है, तो एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, ये ट्राइंगल में दो बातें हो, एक तो होगा हाइपोटेनस जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, एक होगा परपेंडिकुलर पी जिसको हिंदी में हम कहते हैं लंब, और एक होता है बेस जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आधार। तो हिंदी मीडियम के छात्र इसको लिख लीजिएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर लंब बेस आधार और हाइपोटेनस कर्ण। तो हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस होगा किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, ये ए बी, बी सी और ए सी में, ए सी हो गया हाइपोटेनस, तो जो हाइपोटेनस जो कर्ण होगा ना वह सबसे बड़ी साइड होगी, लार्जेस्ट साइड होगा, वो हो जाएगा लार्जेस्ट, क्या होगा ये लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। ये क्या होगी, ये होगी लार्जेस्ट साइड।
तो एक बात अब क्लियर हो गया, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ाऊंगा, एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक ट्राइंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं पार्टिकुलरली बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एंगल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं थीटा, जैसे मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। जब कोई एंगल राइट एंगल के अलावा, इसके अलावा कोई भी एंगल दिया हुआ रहे तो उसके सामने वाला साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर। देखिए तो बी राइट एंगल है, अब बच गया मेरे पास दो एंगल, एक तो बच गया ए और एक बच गया सी, तो ए और सी में क्या पता है, ए और सी में ये पता है क्योंकि इसका मान दे रखा है थीटा, तो इसके सामने वाला जो होगा ना ये साइड, ये होगा परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक कन्वीनियंस के लिए, एक समझने के लिए ऐसा एक फंडा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री है, इस बार मान लीजिए ये एंगल दे दिया आपको थीटा, कुछ भी दे देगा 5 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, तो उस कंडीशन में ये 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेनस कहेंगे। अब अगर ये थीटा दे दिया ना एंगल ए और सी में, एंगल ए दे दिया तो इसके सामने वाला साइड जो बी सी होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया अब ये हो जाएगा बेस। बस इतना ही अंतर है दोनों चीज को आप देखें। इस केस में क्या हुआ, परपेंडिकुलर कौन होगा, जो एंगल दिया हुआ रहेगा 90 डिग्री के अलावा, जैसे एंगल बी एक 90 डिग्री है, इसके अलावा अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के अलावा जो बी एंगल है, इसके अलावा दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा फेस। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, दो एंगल बच गया, एक बच गया ए और एक बच गया सी, तो ए और सी में हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, ये कुछ भी हो सकता है, एंगल के लिए थीटा का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो ये दिया हुआ है, इसके सामने वाला जो ये हो गया ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो अब जो ये बच गया हमारा बेस। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो देखिए तो इन चीजों को आप सीख गए कि परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। और एक बात को जानेंगे यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बात, एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात छह प्रकार के होते हैं, छह त्रिकोणमिति अनुपात है, जैसा मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से आप भी याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितने रेशियो है, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा हो जाएगा टेन, चौथा हो जाएगा कॉट, पांचवा हो जाएगा सेक और छठा हो जाएगा कॉसेक, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन है साइन की जगह कॉस, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कॉसेक, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसमें कुछ काम का चीजें मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले एक चीज हम समझिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट है इनवर्स का, इनवर्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उल्टा या व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, रिवर्स, इनवर्स नहीं समझ रहे तो थोड़ा रिवर्स समझिए, बस थोड़ा सा अंतर है वर्ड में लेकिन ओवरऑल मतलब वही है, इनवर्स लिखा हुआ है या रिवर्स लिखा हुआ है इसका डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए 5/7 कोई भी चीज लिखा हो, अगर मैं इससे पूछूं कि इसका उल्टा क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए आपका लीजिएगा 7/5। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 10/8, मैं पूछूंगा इसका इनवर्स क्या होगा तो आप कह देंगे 8/10, समझ रहे हो, देखिए 8/10,
अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है 7/4, इसका इन्वर्स क्या होगा, तब इसको उल्टा दीजिएगा, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पे 5, तो 5 का इन्वर्स बताइए क्या होगा, 5 का इन्वर्स, तो आप कहेंगे सर 5 तो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं दिख रहा, उल्टा कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं 5 को 5/1, इस 5 को आप ले सकते हैं 5/1, अब इसको उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5। 1 हमेशा किसी न किसी के किसी भी किसी संख्या के नीचे हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां देखिए ये तो क्या न्यूमरेटर यानी अंश, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो ये जो 1 है ना हर में जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो हमेशा रहता है। अगर आपको दिया हुआ है जैसे यहां पे देखिए डिनोमिनेटर यानी हर दिया हुआ था कोई दिक्कत नहीं था, यहां पे नहीं दिया हुआ था तो 5/1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा 7 है तो इसका उल्टा बताइए, तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगा तो इसको लिख लीजिएगा 7/1, अब इसको उल्टा दीजिए तो 1/7। तो सिंपल शब्दों में आप ये समझ गए होंगे अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 6, अगर मैं इसका इनवर्स पूछूं इसका उल्टा पूछूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 1/6। तो एक बात तो क्लियर हो गया, अगर कोई संख्या 10 है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/10, अगर कोई संख्या 12 है तो इसका उल्टा इनवर्स कितना हो जाएगा 1/12, एक संख्या 15 है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/15। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए जैसे समझिए यहां पे कोई एक संख्या लीजिए जैसे मान लीजिए 10 और इसका उल्टा कितना होगा 1/10, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना है 10 कट गया 1। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए एक नंबर है 12, उसका इनवर्स यानी उसका उल्टा लीजिए तो 1/12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 1। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 15 एक नंबर है, इसका उल्टा ले लीजिए 1/15 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1। जैसे मान लीजिए एक 4/5 एक नंबर, इसका उल्टा कितना होगा, इसका उल्टा होगा 5/4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये 5 कट गया, ये 4 कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 कितना आ जाएगा 1। यानी कोई भी संख्या अगर उसका उल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कोई भी संख्या हो उसका इन्वर्स यानी उल्टा को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू कितना आता है 1। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा, अभी इस चीज को सीखे ध्यान से, अभी मैं यहाँ बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको इस बात को समझिएगा कि कोई भी चीज जैसे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बताया था, क्या बताया मैं आपको साइन कॉस इसी सीक्वेंस में 10 कॉट सेक एंड कॉस इसी सीक्वेंस में हम याद रखेंगे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इस सीक्वेंस में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए ये जो साइन है ना, ये साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, इस दोनों में इनवर्स का रिलेशन है, आपस में कैसा रिलेशन है इनवर्स, कॉस और सेक में भी कैसा रिलेशन है इनवर्स का यानी उल्टा का, टेन और कॉट में भी कैसा रिलेशन है इनवर्स का। तो जैसे अगर मैं कहूंगा अगर मैं साइन है, साइन के साथ मैं थीटा लगा लू, एंगल है यहाँ, ये साइन हमेशा एंगल के साथ आएगा, थीटा के वैल्यू कुछ 45 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, ये थीटा नहीं होगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं पूछूंगा साइन थीटा बताइए, तो आप जानते हैं कि साइन और कोसेक में कैसा रिलेशन है, तो साइन और कोसेक में इनवर्स का रिलेशन है, तो इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा 1/cosec 1/cosec। अगर मैं पूछूंगा कोसेक थीटा बताइए, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक का रिलेशन तो साइन के साथ है, और कैसा रिलेशन है इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब उल्टा कर देंगे उसको, कितना कर देंगे उल्टा कर देंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो जब भी किसी का पहले मैं आपको ये बता दिया कि साइन कॉस, लाइट चली गई है, थोड़ा वीडियो आपको अंधेरा लग रहा होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस सब आपस में एक रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है, तो साइन और कोसेक में रिलेशन है उल्टा का, कॉस और सेक में रिलेशन है उल्टा का, टेन और कॉट में कैसा रिलेशन है उल्टा का। तो अगर मुझे उल्टा का रिलेशन लिखना होगा तो साइन इज इक्वल टू, जब मैं साइन निकालूंगा तो साइन किसका उल्टा है कोसेक का, तो उल्टा मतलब 1/5, जैसे पूछोगे 5 का उल्टा तो 1/5, तो साइन का उल्टा कौन है कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, अगर मैं कोसेक थीटा पूछूंगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उसी तरीके से कॉस, कॉस
किसका उल्टा है, सेक का, और उल्टा का मतलब 1/sec। सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा है कॉस का, तो 1/cos। उसी तरीके से टेन और कॉट में उल्टा कर लेसन है, तो टेन थीटा पूछूंगा तो टेन किसका उल्टा, कॉट का, उल्टा का मतलब 1/cos। कॉट और टेन में कैसा रिलेशन है, तो कॉट और टेन में उल्टा का रिलेशन है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan। समझ गए इस बात को। और मैं आपको यह भी बता रखा हूं, अगर कोई संख्या है और उसका उल्टा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए तो साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, तो साइन और कोसेक जब एक दूसरे का उल्टा है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, अगर कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, सॉरी कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, तो तब जो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये कैसे होता है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।